आज दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाया गया, जिसमें नगर निगम के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। दीपावली एवं छठ को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई कैसे हो, नगरवासियों को कचरा एवं डेंगू से बचाने हेतु तैयारी पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ तालाब की सफाई, नाला निर्माण, अतिक्रमण हटाने से लेकर आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक के संदर्भ में हमारे संवाददाता राजू सिंह ने नगर आयुक्त घनश्याम मीणा से विस्तृत जानकारी लिया। जितने भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसके अंतर्गत कई सारे बिंदु थे उनको हम लोगों ने चिन्हित किया। जैसे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन चालू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सूखा गीला कचरे का हम लोग हाउस होल्ड के स्तर पर ही सेग्रीगेशन करेंगे। तो उस पर इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई अभी से हम लोग को उसकी पूरी तैयारी करनी है। दूसरा, जहाँ जहाँ पे भी जो जल है, जहाँ पे जल अभी निस्तारण हुआ है जल का, वहाँ वहाँ पे हम लोग को और ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करना है। और जो कुछ नाले हैं जिनको हम लोग ने चिन्हित किया है, वहाँ पे लार्वा साइडल करना है, जिससे जो मच्छर है उसके लार्वे को स्रोत पे ही हम लोग नष्ट कर सकें, जिससे डेंगू और इस तरह की गंभीर बीमारियाँ शहर में नहीं हों। साथ ही जो शहर को और ज़्यादा साफ सुथरा किस तरह से किया जा सकता है, उस पर हम लोग और जो कदम उठाएंगे उस पर भी हम लोग ने चर्चा की। कुछ वार्ड्स में जैसे डेंगू का कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, उसी क्रम में हमने जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिया है कि वहाँ पे फॉगिंग करवाएं, रेगुलरली लार्वा साइडल का छिड़काव करवाएं, और खास करके जो भी ऐसे पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट्स है, जहाँ पे लार्वे जो डेंगू का मच्छर है जो पनप सकता है, उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उस पर फॉगिंग करवा के उसको खत्म कर रहे हैं। जो हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, जैसे कि सिटी मैनेजर हो गए, हमारे डेप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हो गए, और इनफैक्ट हम लोग ने जो हमारे माननीय वार्ड पार्षद लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, हम लोग उसके सतत निगरानी कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो शहर की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, मैं आशा करता हूँ और भी हम लोग और प्रोएक्टिवली इसको कर रहे हैं तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर, हैदराबाद नीम पोखर पास जो रोड पर जल जमा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, वहाँ पर दो तालाब है जिसमें छठ होती है, आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है और पानी सर गया, बदबू भी कर रहा, उस पर क्या कहें? देखिए, जो भी अभी जैसा कि आपने मीटिंग में दिखाई कि हमने ये निर्देश दिया है कि जो भी पोखर जो अभी बारिश के चलते कई पोखर्स का पानी तब बढ़ गया है, तो उनका आउटलेट करवा के जल्दी से हम पानी का निकासी करवा रहे हैं, जिससे कि छठ बनाने में भी कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। और जहाँ भी ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे कई परमानेंट जल जमाव या इस तरह की कोई समस्या होती है, वहाँ पे हम नाले का निर्माण तो कर ही रहे हैं, साथ ही पंप सेट लगा के भी हमने पानी का पूरा निकासी करवा दिया। कुछ जगह यदि बची हुई है जिनको हम लोग ने चिन्हित कर लिया, तो उधर भी आप पंप सेट लगा के निकासी करें। उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए रूल्स बने हुए हैं, उनका फॉलोअप हम लोग करवा रहे हैं और उसके लिए अभी भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और साथ ही जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन करके उसका भी हम लोग विस्तार करवाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, दरभंगा टावर पर नगर निगम के द्वारा लाखों रुपया लगा करके पब्लिक प्लेस बनाया गया, चलने के लिए बनाया गया, उसको सारे दुकानदार लोग अतिक्रमण किए हैं, उसको कब तक खाली करवाएंगे? उसके लिए हमने निर्देश कर दिया है और सारे अभी जितने भी हमारे जो अतिक्रमणकारी हैं उनको नोटिस करके और जो भी संगत कार्रवाई है वो उस पर हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। आवारा पशु लगे रहते टावर पर, बराबर रहते हैं, क्या कहेंगे उसको? आवारा पशु के लिए भी हम लोग FIR की भी कार्रवाई करेंगे, जो भी सम्मिलित व्यक्ति है जिन्होंने छोड़े हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कुछ जो पशु है उन लोग को हम लोग ने बाकायदा हमारी गौशाला है उस पर पहुँचा दिया है और उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।